अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन की बैटरी जो है आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। बेसिकली आपकी बैटरी अगर 5 घंटे 10 घंटे दिन में यूज़ हो रही है तो आप उसको किस तरह 12 घंटे या 13 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। तो ये क्विक टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये आप भी यूज़ करके देखें, इससे हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो, उम्मीद है कि होगा। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपने जाना है प्राइवेसी के अंदर। सबसे पहले तो आपने नीचे जाके एनालिटिक्स और एंड इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर जाना है। यहाँ आपने देखें शेयर आईफोन एंड एप्पल वॉच एनालिटिक्स, ये जो है ना आपने ऑफ रखना है। इससे ये आपके बैकग्राउंड में एप्पल को कोई अगर आपके इसमें कोई हिच होती है, कोई प्रॉब्लम है आपके सॉफ्टवेयर में, तो वो पीछे एप्पल को से मतलब एक नोटिफिकेशन जा रहा होता है कि ये प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में आ रहा है, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकें। तो आप इसको हटा दें, मतलब इसको बंद कर दें, ऑफ़ रखें, ताकि फिर आपकी बैटरी इसमें बैकग्राउंड में यूज़ नहीं होगी। इससे अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आपकी बैटरी में आ जाएगी। इसके बाद आप पीछे चले जाएँ, वापस जाना है, और फिर उसके बाद आपने एप्पल एडवर्टाइजिंग आपने देखा होगा, इसके अंदर आप जाएँगे। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पर्सनलाइज्ड एड्स हैं, इसको भी ऑफ रखेंगे, इससे भी आपकी बैटरी सेफ हो रही है। और फिर इसके बाद आप रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी है, इसके अंदर जाएंगे। रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी के अंदर आप देखें, इससे भी आप अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं, ये इसको भी आप ऑफ रखें। ये आपकी समरी जो है ऐप्स की जो है वो एक्टिविटी जो है वो आपको बता रहा होता है, तो ये भी जो है इससे भी आपकी बैटरी सेव होगी। इसके बाद आप मोशन एंड फिटनेस में जाएंगे। मोशन एंड फिटनेस में अगर आप फिटनेस और मोशन यूज़ नहीं करते अपने मोबाइल में, तो आप फिटनेस ट्रैकिंग जो है इसको भी ऑफ़ रखें, इससे भी आपकी बैटरी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद हम हेल्थ में चले जाते हैं। हेल्थ में आपकी जो लेवल्स हैं वो मेजर कर रहा होता है, इसके मेजरमेंट को भी ऑफ़ रखेंगे, इससे भी बैटरी आपकी की इम्प्रूवमेंट आएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम ट्रैकिंग में चले जाते हैं। लोकेशन एंड सर्विसेज के नीचे ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग में देखें, अलाउज ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, ऐप आपको जो है वो ट्रैक कर रही होती है लोकेशन के ज़रिए, तो वो भी जो है आप उसको ऑफ रखें, ताकि ये भी आपके बैकग्राउंड में जो है बैटरी आपकी सेव करेगा। इसके बाद हम पीछे चले जाते हैं, वापस लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे। लोकेशन सर्विसेज में आप देखें लोकेशन अलर्ट्स जो हैं, शो मैप इन लोकेशन अलर्ट्स, ये जो है आप इसको भी ऑफ रखें, इससे भी आपकी बैटरी इंप्रूव होगी। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ बेसिकली हम नीचे आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा होता हूँ उसमें मैंने वाइल यूजिंग किया है, मतलब जब मैं उनको यूज़ करूँ तब मेरी लोकेशन जो है वो यूज़ हो सके, उसके अलावा वो एप्लीकेशन जो है वो मेरी लोकेशन को यूज़ ना कर पाए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में आपकी लोकेशन यूज़ हो रही होती है, उससे भी काफ़ी बैटरी जो है आपकी डाउन हो जाती है। सिस्टम सर्विसेज में है, इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर देखें, ये सारी चीज़ें मैंने ऑफ़ की हुई हैं, एप्पल पे, मर्चेंट कंपास, कैलिब्रेशन है, डिवाइस मैनेजमेंट है, एमरजेंसी कॉल्स एंड SOS है, इन चीज़ों को जो है ना आप ऑफ रखें। फाइंड माई फ़ोन आप ऑन ही रखें, क्योंकि ये आपको मोबाइल अगर आपका कहीं मिस हो जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो ये आप ऑन रखें, ये ज़रूरी इसमें है। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने ऑफ़ रखी हैं। इसके नीचे भी आ जाता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर देखें आईफोन एनालिटिक्स है, इसको भी ऑफ़ रखें। रूटिंग एंड ट्रैफिक है, इसको भी ऑफ़ रखें। इसके बाद सिग्निफिकेंट लोकेशंस में जाएंगे, इसको भी मैंने ऑफ़ रखा हुआ है। यहाँ आप देखें सिग्निफिकेंट लोकेशंस है, ये डिफरेंट लोकेशंस जो आपको सेंड करता रहेगा, इससे भी बैटरी आपकी काफ़ी यूज़ हो रही होती है, इसको भी आप ऑफ़ रखिएगा। और इसके बाद हम जो है हिस्ट्री अपनी क्लियर कर देते हैं, इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद हम एक और चीज़ है आपको बताता हूँ। आप जाएंगे जनरल के अंदर, वहाँ आप देखें बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, ये बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है इसको भी मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। इससे मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, हो सकता है कि पीछे बैकग्राउंड में आपकी ऐप्स जो है उसको रिफ्रेश कर रहा होता है। बोलते हैं कि व्हाट्सएप को ऑन रखना चाहिए, इससे आपको पीछे रिफ़्रेश हो रही होती हैं ऐप्स, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे टाइम पे मैसेजेस भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा, और बल्कि इसको ऑफ़ करने के बाद मेरी बैटरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। और हम पीछे चले जाते हैं फिर, और इसमें हम आपको बताता हूँ मैं कि आप जो है इसमें एयर ड्रॉप जो है इसको भी रिसीविंग ऑफ़ रखें। एवरी वन पे करेंगे तो एयर ड्रॉप आपका हर वक्त ऑन रहेगा, ये भी आपको ट्रैक करता रहेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आप ब्लूटूथ जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ब्लूटूथ भी ऑफ़ रखें,
ब्लूटूथ ऑफ रखने से ये है कि ब्लूटूथ कोई ऐसी आप मतलब हर वक्त ब्लूटूथ जो है किसी डिवाइस को सर्च कर रहा होता है, तो वो भी आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी बैटरी में। अगर आप यूज़ कर रहे हैं वॉच के साथ आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं तो करें, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। इसके बाद जो है हम नीचे चले जाते हैं, एक्सपोजर नोटिफिकेशंस जो है, अवेलेबिलिटी अलर्ट्स, ये चीज़ें जो हैं ये भी आपके काम की नहीं है, इसको भी आप ऑफ़ रखें। अगर आपके काम में हैं ठीक है, वरना फिर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको भी आप ऑफ़ रखें। और इसके बाद हम पीछे चले जाते हैं ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में देखें, मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऐप्स, ऐप अपडेट्स, इन चीज़ों को ऑफ़ रखता हूँ। इसमें ये होता है कि मैन्युअली मैं खुद ऐप स्टोर में जाके और अपनी जो ऐप्स होती हैं आफ्टर टू डेज या डेली बेसिस पे उसको अपडेट कर रहा होता हूँ। तो मैं ये ऑन रखने से ये होगा कि ये हर वक्त आपकी अपडेट चेक करता रहेगा कि आपके जो है अपडेट्स तो नहीं आई। एक ये हो गया। दूसरा, उसके बाद हम जनरल में जाएंगे, अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट में देखें, इसमें भी आपको आ रहा है कि ऑटोमेटिक अपडेट्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स को मैंने ऑफ़ रखा हुआ है। ऑटोमेटिक अपडेट्स भी आप ऑफ रखें, आप खुद अपडेट चेक कर सकते हैं 15 दिन, 20 दिन या महीने के बाद। अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी इम्प्रूव होगी, बैटरी टाइमिंग जो है आपकी डेली की वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी दोस्तों, यही चीज़ें थी दो तीन जो मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो मैंने इनको जब मैंने ऑफ़ किया है तो उसके बाद मुझे कोई ख़ास बाकी चीज़ों में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन बैटरी मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और मैं विश करूँगा कि आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।